नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। यूपी में सपा बसपा का गठबंधन और कांग्रेस के गठबंधन टूटने के बाद बिहार में कांग्रेस और सभी दलों की बैठक हुई। दिन में मछली भात पर महागठबंधन की पार्टियां एक साथ रहने का दम भरती रहीं और फिर अपनी बांसुरी अपना राग छेड़ने लगी। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता सदानंद सिंह के घर पर हुई विधायकों की बैठक में सबने एक सुर में कहा कि 20 सीट से कम मंजूर नहीं है। और यही नहीं, कांग्रेस विधायकों ने इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष को चिट्ठी लिखने तक की बात की। उधर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी ने सीटों की संख्या तो नहीं बताई, लेकिन अपनी मंशा साफ कर दी और कहा कि हम बैठक में 7 सीटों की मांग कर रहे हैं। वहीं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे ने अपनी मंशा जाहिर करते हुए कहा कि महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी यादव ही करेंगे। रामचंद्र पूर्व ने कहा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बीजेपी का सफाया करना और इसकी शुरुआत बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में हो चुकी है। इसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि पहली औपचारिक बैठक थी जिसमें सभी पार्टियों के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। हमें बीजेपी और जेडीयू को परास्त करना है, उस पर सभी पार्टियों की आम राय बनी है कि हम अच्छे प्रत्याशी उतारें। हम लोगों की अगली बैठक 14 जनवरी के बाद होगी जिसमें सभी मुद्दे सुलझा लिए जाएंगे। उसके बाद जीतन राम मांझी की पार्टी हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान सीटों पर चुप रहे, लेकिन खबर है कि बैठक में हमने 2 लोकसभा सीटों की मांग की। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में गठबंधन होता है कि नहीं, क्योंकि बिहार में जितने मुंह उतनी तरह की मांगे, और ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा।